हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दीपावली के बाद काउंसलिंग के लिए जारी होगी तिथि। ये शिक्षक नियोजन से संबंधित है। बिहार में जो फिलहाल 1 लाख शिक्षकों का नियोजन चल रहा है, उससे रिलेटेड न्यूज़ है कि दीपावली के बाद काउंसलिंग की तिथि जो है वो जारी हो जाएगी। करीब 1 लाख शिक्षकों के नियोजन के लिए संयुक्त मेरिट लिस्ट बनाने की कवायद शुरू होने जा रही। इस संदर्भ में काउंसलिंग की तिथि दीपावली के बाद जारी हो जाएगी। प्राथमिक शिक्षक नियोजन के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार ने कहा कि काउंसलिंग की तिथि दीपावली तक जारी हो जाएगी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग अब केवल उन DLED धारकों की याचिका पर सुनवाई का इंतजार कर रहा है जिन्होंने याचिका दाखिल कर कहा है कि दिसंबर 2019 में उत्तीर्ण DLED धारकों को भी इस नियोजन में शामिल किया जाए। तो बस उसी का वेट हो रहा है कि दिसंबर CTET पे जैसे ही सुनवाई होगी फिर नियोजन की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ेगी, उस पर फैसला आएगा, नियोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अभी तक केवल जुलाई में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही शामिल किए गए हैं। दरअसल इस संबंध में शिक्षा विभाग का स्पष्ट तौर पर कहना है कि नियोजन की प्रक्रिया दिसंबर से पहले पूरी हो चुकी थी, इसलिए दिसंबर में DLED उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शामिल करना तकनीकी तौर पर गलत होगा। इसी हफ्ते हाईकोर्ट में संबंधित सुनवाई जो है वो पूरी होगी। आज का न्यूज़पेपर है 8 नवम्बर 2020, प्रभात खबर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जो भी लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।